सो गाइस हम होटल से ताजमहल आ गए। एक्चुअली यहाँ से रिक्शा जाते हैं आगे के लिए, तो अभी हम रिक्शा करा है, रिक्शे से जाते हैं। गाइस अभी जो वेदर है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वेदर ऐसा होगा। तो गाइस ये है टिकट घर, यहाँ से मैंने टिकट ली है, यहाँ से ये ताजमहल की एंट्री है। और गाइस जो टिकट है वो दो तरह की है, एक 50 रुपीज़ वाली है और एक 250 वाली है। तो 250 वाली में इतना डिफरेंस होगा कि आप जो वाइट मार्बल है उसके अंदर जाके ऊपर जाके आप देख सकते हो, और बाकी जो 50 वाली है वो आप नीचे से देख सकते हो गार्डन एरिया से। तो हमने तो 50 वाली ली है गाइस। गाइस ताजमहल की एंट्री से, तो गाइस यहाँ से हमने एंट्री ली है, और यहाँ पर ना ट्राइपॉड लेना मना है, प्लीज़ ध्यान रखना। और ये सन 1862 में ऐसा था, 74 में ऐसा था, 1878 में ऐसा था, 1882 में ऐसा था, बट में बदल के रहा था, ट्री वगैरह हो जाता है, 1884 में ऐसा था। चेंज होते रहे
से अंदर जा रहे हैं ताजमहल। अच्छा गाइस, इसके आगे ना जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ अगर थोड़ा बहुत वीडियो बन जाए तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। उनकी जो वीडियोग्राफी है वो यहीं तक अलाउ है, बस उसके आगे अलाउ नहीं है। चलते हैं गाइस, पर फिर भी थोड़ा बहुत कैप्चर मैं ज़रूर करूँगा डेफिनेटली। थोड़ा सा देखते हैं यार, कितना सुंदर गार्डन है। ये देखिए गाइस, और आगे का व्यू, वहीं चलते हैं। गाइस मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना वीडियो अलाउ नहीं है, ठीक है? तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखा देता हूँ। चलो जरा से चलते हैं यहाँ से फटाफट एक व्यू लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ये वाला यहाँ से व्यू अच्छा आएगा। वाह यार कितना सुंदर है यार ये सब। और ये पता नहीं क्या है, आई थिंक स्विमिंग पूल होगा। भैया जब भी यहाँ पर आओ ना तो आप गाइड को अवॉइड करो। चलो भाई वहाँ जाके फिर आपको गाइज, आप लोगों के लिए इतना दूर दूर जाना पड़ता है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दे करो और शेयर भी कर दे करो। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको और भी प्लेसेस घुमाता रहूँगा अच्छी अच्छी। एंड अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा अच्छे हुए, मतलब अच्छे खासे हो गए, तो आपको मैं आउट ऑफ इंडिया का टूर भी कराऊंगा, जिसमें से पहला जो होगा हमारा बैंकॉक का होगा। देखिए गाइस पास से बहुत सुंदर है, सही में रियली में आप यहाँ पर एक बार आओ, जो नहीं आया वो डेफिनेटली आओ। रूट फॉर जनरल टिकट्स गाइस, यहीं से भी ऐसा ही है, इस साइड से भी ऐसा है, उस साइड से भी ऐसा ही है। चलिए चलते गाइस, आई थिंक जो वहाँ ऊपर मार्बल पे है ना, आई थिंक मे बी वहाँ जाने की टिकट 250 रुपये है, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे लगा कि उसके अंदर जाने की टिकट 250 रुपये होगी। देखो मेहमान खाना यहाँ से है, कृपया अपने जूते गाइस यहाँ पर जूते और चप्पल रख सकते हैं। बट हमने कुछ पॉलिसी पैक कर दी है, यहाँ
पॉज करता हूँ। गाइज अगर आपको शूज़ ना आपको नहीं रखने, मतलब यहाँ पर आपको नहीं रखने, तो आप ऐसा कर सकते हैं ताजमहल के बाहर, मतलब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ से ये मिलते हैं 10 रुपये के एक, आपको मिल जाते हैं 10 रुपये के, मतलब दोनों मिल जाते हैं, तो ये आप पहन के आप जा सकते हैं उधर। चलो गाइस चलते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आगे। ये देखिए गाइस व्यू, ताज महल। गाइस यहाँ एक गाइस देखो उधर जो है ना, उधर रेड फोर्ट है जहाँ हम कल गए थे, आपको मैंने कल दिखाया था रेड फोर्ट। गाइस मैं टिकट लेनी चाहिए थी आई थिंक। ये पता नहीं क्या है गाइस, देखते हैं। मैं डाल देता हूँ एक कॉइन। साफ भी है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। गाइस पर मुझे सच में नहीं पता कि ये पन्नी मतलब क्यों पहनी है मैंने, और यहाँ पर देखो गाइस ये लोग बिना पन्नी लगा के चप्पल पे आ रहे हैं। ये देखो और यहाँ कुछ हो रहा है अभी। भाई मैंने को पूरा ताज घुमा दिया, ताज पूरे चारों राइन। ये देखो वहाँ से आए थे हम, उस साइड से आए थे गाइस, इस तरफ से आए थे, और ये गाइस ताज का इधर वाला एरिया, वहाँ से लेफ्ट एरिया। ये क्या है, चलो देखते हैं क्या है। अब गर्मी लग गई है, टैंक
वही वहाँ से आए थे हम। ये भी कुछ होगा अपडेट तो मैं देते रहूँगा। और अब यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या देखना होता है। आई थिंक मुझे किसने बोला है कि यहाँ पर मेहताब बाग भी फेमस है, तो मतलब वहाँ जो देख रहा था मेहताब बाग, तो मेहताब बाग आज जाएंगे। देखते हैं अभी टाइम हो रहा है, वही 9:15 हो रहे हैं। तो ये जो है ना ये मस्जिद है, गाइस ये मैंने आपको ताजमहल यहाँ से पूरा घुमा दिया। और यहाँ पर ना जो ये है वो ताज म्यूज़ियम है। गाइस चलो चलिए चलते हैं, देखिए म्यूज़ियम की एंट्री है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट विकेट नहीं है। चलो भाई चलते हैं अंदर। ये है ताज म्यूज़ियम, इसकी टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। गाइस अंदर जो है ना रिकॉर्डिंग और फोटो अलाउ नहीं है, तो ये यही था कि मैंने शूट करा है। अब यहाँ आ सकते हैं अंदर देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मोबाइल। तो गाइस अभी हम म्यूज़ियम में अंदर होके आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे ताजमहल में जो स्टोन यूज़ हुए वो कहाँ कहाँ से आए, किस किस देश से आए, ये सब हमें मिला है यहाँ पर। और उस समय के वेपन्स वगैरह अंदर रहते हैं, भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे शाहजहां मुमताज़ की जो फ़ोटो है वो भी देखने को मिली। तो आप गाइज अगर आप यहाँ पर आ सकते हो तो मतलब ताजमहल आओ तो म्यूज़ियम ज़रूर आना। और जो उस समय के वेपन्स है बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप आ सकते हो ज़रूर देखना। अगर यहाँ पर आए हो तो ज़रूर देखना। ओके गाइज बाय बाय। तो गाइज यहाँ से हमने एंट्री ली थी अभी, यहाँ से मैंने आपको पूरा येरा ताज मैंने आपको पूरा चारों ओर से घुमा दिया। और उस तरफ मस्जिद है मैंने आपको वो भी घुमा दी, इस तरफ म्यूज़ियम आपको ये भी घुमा दिया। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और अभी हम पेठा लेने जाएंगे। तो पेठा की मशहूर दुकान है, तो आपको यहाँ पर मतलब बहुत सारी, उस नाम से भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई है। तो मैं आपको ओरिजिनल शॉप पर ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ के गाइड ने बताया, उनसे जो अपने जहाँ होटल था उनसे पूछा था, तो आपको ओरिजिनल शॉप पर ले जाऊँगा। गाइस अब हम जा रहे हैं पहले मेहताब बाग, उसके बाद जाएंगे बेगम मुमताज महल। से जो है वो तो बड़ा 250 रुपीज़ में बेगम मुमताज बाग और सदर बस, तीनों रिमाइंडर और आपके में ऑर्डर छोड़ेंगे। सो गाइस ये है मेहताब बाग, यहाँ हम उतरे और यहाँ से है ये इसकी टिकट है 25। और वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पर। और 25 रुपये पर पर्सन टिकट है, तो टिकट लेके चल रही है, अंदर चलती है। यहाँ से एंट्री है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ओके इस पार्क का व्यू काफ़ी अच्छा है, बस व्यू ही देखने हम यहाँ पर आए थे। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट ऐसी देखिए ग्रुप आया है पूरा। चलिए गाइस फटाफट मैं सबको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके तो गाइस ये जो है ना ये ताजमहल का बैक साइड है, क्योंकि कल आपको दिखा रहा था ये जो उधर उसके उधर था मैं जब, तो वहाँ से एकदम उसके सामने है, मतलब एकदम ताजमहल के बैक साइड के एकदम सामने। और ये जो मस्जिद साइड में था उस साइड में मस्जिद भी है। तो इधर एक झील है, तो ये झील के आगे से घुमा के पूरा आना पड़ता है इधर।
ये देखिए गाइस, यहाँ से गाइस ताजमहल बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गाइस चलते हैं, फिर अब जाएंगे बेबी ताज और उसके बाद आपको पेठे की जो मशहूर है पूरे आगरा में, मतलब बहुत सारी जो कॉपी है उसकी, जो कि पंछी पेठा के नाम, एक्चुअली पंछी पेठा के नाम से यहाँ पर पंछी पेठा है, वहाँ का यहाँ का मशहूर पेठे जहाँ मिलते हैं, पंछी पेठा नाम है उसका, और उसके नाम पे यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स खुली हुई ऑलरेडी। तो मैं आपको एकदम ओरिजिनल शॉप पर ले जाऊँगा जो कि सदर बाजार में है, और टोटल इसकी जो ब्रांचेज है वो 7 ब्रांचेज है अब पूरा आगरा में। ठीक है गाइस, यहाँ से निकलते हैं फटाफट, ऐसे जाके निकलते हैं, फिर ऑटो में बैठते हैं और फिर बेबी ताज चलते हैं। गाइस अब हम आ गए इत्मादुद्दौला, जैसे बोलते हैं यहाँ का बेबी ताज, तो उसकी देखते हैं टिकट कितने की है, लेते हैं इसकी टिकट। और ये है इत्मादुद्दौला, गाइस एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, टिकट कितने की है देखते हैं। तो ये है इसकी टिकट, 2500 पर टिकट है। देखिए गाइस ये यही टिकट काउंटर है, इसके बारे में बता रखा है, ये मतलब है क्या, एक्चुअली हिस्ट्री लिख रखी है पूरी। बहुत सुंदर चार बार, एक्चुअली एक टिकट चेक काउंट, टिकट काउंटर जो है तो इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा म्यूजियम है, इसके अंदर बता रखा है क्या क्या है। तो चलिए टिकट लेते हैं, टिकट 2500 की है, 2500 की एक टिकट, तो मैंने 2 टिकट लिए। चलिए अब चलते हैं और एंट्री करते हैं अंदर, चलो गाइस एंट्री करते हैं अंदर फटाफट। देखते हैं कैसा, ये देखिए गार्डन, गाइस फटाफट से अंदर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें है क्या। ये बहुत सुंदर बना हुआ है वैसे, तो गाइस शूज जो है वो यही उतारने हैं, शूज पहन के नहीं जा सकते हम। उनके पास रख रहे हैं, कोई रख रहा है, भाई शूज जो है यहाँ उतार देते हैं, बाकी मैंने तो स्लीपर पहनी है तो मैं स्लीपर यहाँ उतार देता हूँ। चलिए चलते हैं अंदर थोड़ा सा, ये मिल जाएगी आपके पास एक और, नहीं मिल जाएगी, कितने की है चप्पल पहन के जा सकते हैं फिर अंदर। गाइस अगर आपने ये छोटी सी पन्नी जो ली है तो अगर आप ये लोगे तो आप अंदर जा सकते हो, ओके ऐसे जा सकते हैं, ये पहन के हम अंदर जा सकते हैं। ये है बेबी ताज, इट्स वेरी नाइस। चलिए थोड़ा देखते हैं अंदर कैसा है, यहाँ पर अंदर जा सकते हैं, चलिए चलते हैं अंदर।
क्योंकि यहाँ तो गाइस लॉक है। तो गाइस इसी के जस्ट सामने है बैक साइड पे, तो हम यहाँ दिखाते हैं कि आगे कैसा व्यू है। यहाँ पर थोड़ा सा झील का व्यू मिलेगा आपको और आप आओगे तो सर। बट गाइस सच में यहाँ पर ना ग्रीनरी बहुत है, मतलब एक फ्रेश एयर जो होती है ना वो है, मतलब इस साइड अगर आप सुबह सुबह आओगे तो आपको महसूस होगी, अभी तो गर्मी है। मतलब गाइस ये है झील का व्यू यहाँ से। ये गाइस झील का व्यू, पास का व्यू। तो गाइस मैंने आपको ये पूरा घुमा दिया, बेबी ताज ज़्यादा से झील का व्यू दिखाया आपको मैंने। ये भी ऐसी है, बना हुआ कुछ खास नहीं है सर। तो चलो चलते हैं और जहाँ से हम पेठा देंगे वहाँ चलते हैं, और वहाँ से हमने एंट्री ली थी तो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो गाइस ये जो है ना यहाँ का सदर बाज़ार है, तो गाइस ये है यहाँ का सदर बाज़ार पूरा एकदम अच्छी पेठा ही चलता है। ले आओ अभी ले आओ ये वाली, चलिए कुछ यहाँ से लेते हैं। ओरिजिनल शॉप है यहाँ पर। ये गाइस देखिए ये जो रेट लगे हुए हैं। तो गाइस ये मैंने भी पेठे लिए कुछ, ये कितने का है, ये 300 का है, और ये 130 का है, ये 65 का है, और ये 130 का है, और ये 100 के है। तो ये मैंने पेठे लिए और ये फ्लेवर है, मतलब केसर जिसमें मैंगो भी है और इसमें सारे मिक्स है, ठीक है। तो भाई मैं आपको इस शॉप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं सदर बाज़ार से, पेठा हमने ले लिया, देखो पंछी पेठा। गाइस हम पहुँच गए अपने होटल, होटल अतिथि। चलो बाय गाइस, अगर आपको हमारे आगरा के व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग पे।